जापान का मून मिशन तैयार है। भारत की चंद्रयान 3 के बाद चंद्रमा पर इस दोस्त देश ने लगाया नंबर। 26 अगस्त को लॉन्च करेगा मून लैंडर। जापान भी चंद्रमा पर लैंडर भेजने को तैयार है। जापानी लैंडर को 26 अगस्त को लॉन्च किया जाना है। इस मिशन के जरिए जापान चंद्रमा की सतह पर सटीक लैंडिंग की तकनीक का प्रदर्शन करेगा। जापानी वैज्ञानिकों ने पहले से ही चंद्रमा की सतह पर अपने लैंडर को उतारने के लिए जगह खोज रखी है, मतलब पॉइंट आउट कर लिया है। दुनिया भर में चंद्रमा पर कब्जे की होड़ मची हुई है। हर देश चंद्रमा की सतह पर अपने लैंडर को उतारने की कोशिश में लगा हुआ है। भारत का चंद्रयान 3 भी 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने का पहला प्रयास कर चुका है। इसी बीच जापान ने चंद्रमा पर अपने लैंडर को भेजने के लिए ऐलान कर दिया है। जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा ने बताया कि 26 अगस्त को जापानी समय अनुसार 9:24 बजे स्मार्ट लैंडर SLIM को भेजने की तैयारी कर रहा है। आपको बताएं कि लैंडर को भेजने के बाद इस मून लैंडर को H2A रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। महत्वपूर्ण क्यों है जापान का मून मिशन? स्मार्ट लैंडर या स्लिम अपने नाम की ही तरह छोटे पैमाने का मून मिशन है, लेकिन इसमें बड़ी महत्वाकांक्षाएँ जुड़ी हुई हैं। लैंडर का मुख्य उद्देश्य सटीक चंद्र लैंडिंग तकनीकों का प्रदर्शन करना है, जो अधिक चुनौतीपूर्ण लैंडिंग क्षेत्रों को और अधिक पहुंच योग्य बनाने में मदद करेगा। जापान का स्मार्ट लैंडर 7.9 फीट 2.4 मीटर ऊंचा, 8.8 फीट 2.7 मीटर चौड़ा और 5.6 फीट 1.7 मीटर गहरा है। आपको बताएं SLIM का लक्ष्य अपने टारगेट पॉइंट के 328 फीट 100 मीटर के भीतर छूने का होगा। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मिशन शिवोली क्रेटर के भीतर लैंडिंग को टारगेट कर रहा है। यह चंद्रमा की सतह पर मारे नेक्टेरिस के भीतर एक ताज़ा 984 फुट चौड़ा खुला क्षेत्र है। इस क्षेत्र चंद्रमा के 13 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 25 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इस साइट को जापान के सेलेन ऑर्बिटर के अवलोकन डेटा की मदद से खोजा गया था, जिसे 2009 में लॉन्च किया गया था। सटीक लैंडिंग की टेक्निक खोज रहा है जापान। जापानी एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का कहना है कि भविष्य में सटीक लैंडिंग महत्वपूर्ण हो जाएगी। जैसे जैसे सौरमंडल के बारे में मानवता का ज्ञान बढ़ता है, हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए विशिष्ट अत्यधिक दिलचस्प साइटों तक पहुंच और भी अधिक आवश्यक हो जाएगी। मिशन एक परीक्षण भी है, जिसे उम्मीद है कि हल्के अन्वेषण प्रणालियों के उपयोग के माध्यम से सौरमंडल की खोज में तेजी लाने में मदद मिलेगी। जय हिंद।